जिस घर में सहनाई की आवाज गूंजनी चाहिए थी वहां अब मौत का मातम पसरा हुआ है, और जिन हाथों में मेहंदी चमकनी चाहिए थी उनकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। यूपी के बहराइच जिले के गुलाम अलीपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के लिए लड़के पक्ष ने शादी से कुछ समय पहले ही इनकार कर दिया और इस इनकार का कारण दहेज में मिल रही धनराशि और महंगी कार बताई जा रही है, जिसके बाद आहत होकर लड़की ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। देखते ही देखते ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। इस मामले में लड़की के भाई ने बताया कि बहन की शादी 16 फरवरी को तय हो गई थी और 1 अक्टूबर को उसकी सगाई भी हो गई, लेकिन दहेज के लालच के चलते लड़के पक्ष की तरफ से और पैसे और बड़ी गाड़ी की मांग की गई और इसके बाद शादी से ही इनकार कर दिया गया, जिससे आहत होकर बहन ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि जिस लड़के से युवती की शादी तय थी वो भारतीय रेलवे में लोको पायलट के पद पर तैनात है और फोन पर मैसेज के माध्यम से ही शादी से इनकार कर दिया और किसी प्रकार की कोई बात करने को तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद आहत होकर युवती ने आत्महत्या कर ली। वहीं घटना के बाद परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इंगेजमेंट हो गई थी, लेकिन दहेज के कारण मेरी सिस्टर को सुसाइड कर लिया उसने 6 तारीख में। संजय कुमार पुत्र तिलक राम जो भारतीय रेलवे लोको पायलट है और गाजियाबाद में भर्ती नियुक्ति है उसकी, उसका यही मांग था कि मैं भारत सरकार की नौकरी करता हूँ, भारतीय रेल में हूँ, 70,000 तनख्वाह पाता हूँ मैं, और अगर इतना आप नहीं दे सकते तो मैं शादी नहीं कर सकता। बहराइच से जनमत न्यूज़ के लिए रिजवान खान की रिपोर्ट।